स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए बेहद ही खास इन्फॉर्मेशन लिखा है। रेलवे ने बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट निकाली हुई है जिसकी लिंक 9 बजे एक्टिवेट की गई है। तो जैसे ही मुझे पता चला उस दोस्तों मैं आपको इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों ये रेलवे रिक्वायरमेंट वो RRB में निकली हुई है जिसमें 10th+12th के स्टूडेंट और ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो मैं इसको इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस जो चार्ज लगता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जनरल और OBC कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए 500 रुपये पे एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें, और SC और ST वालों के लिए 250 रुपये फ़ीस है। और इम्पोर्टेंट डेट की के बारे में बात करें तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट आ चुकी है, 1 तारीख से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट के बारे में 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और फाइनल एग्ज़ाम जो इसके होंगे जो 12 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। और आप पेमेंट की इसकी बात करें तो पेमेंट आप 5 अप्रैल तक कर सकते हैं इसका। और इसके पोस्ट के बारे में बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 35,277 पोस्ट निकली हुई है जिसमें 10th+12th के लिए अलग निकली हुई और बाकी ग्रेजुएशन लेवल पर निकली हुई है। तो 10th+12th में कौन कौन सी पोस्ट है मैं आपको बताता हूँ। जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट निकली हुई इसमें 4,319 पद हैं हुए टोटल, जिसमें एज लिमिटेड 18 से 30 ईयर मंगा हुआ है। और अकाउंटिंग क्लर्क की निकली हुई है, जूनियर क्लर्क की निकली हुई है, इसमें अलग अलग निकली हुई है इस हिसाब से। और ग्रेजुएशन लेवल पर निकली हुई मैं बताना चाहता हूँ, ट्रैफिक असिस्टेंट की 88 पोस्ट निकली, इसमें भी 18 से 33 ईयर एज मंगी हुई है। और भी निकली हुई है इसमें सीनियर स्टेशन मास्टर, अलग अलग जूनियर अकाउंटिंग में निकली हुई है। तो जैसे कि हम नीचे लिस्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, और इसमें अलग अलग स्टेट के हिसाब से निकली हुई। तो जैसे कि हम सबसे पहले भोपाल के बारे में बात करें तो भोपाल में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट उनके लिए 384 पद निकले हुए हैं और OBC वाले स्टूडेंट के लिए 268 पद। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप इसे किस तरह फिल करें मैं आपको और डिटेल बता देता हूँ। तो ये अप्लाई ऑनलाइन की लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसे आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि इस तरह से पेज ओपन होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो ये इस तरह का पेज ओपन होगा दोस्तों, तो जिसमें आप सबसे पहले आप अपनी अप्लाई सिलेक्ट की स्टेट चूज कर ले, और उसमें जैसे कि मैं भोपाल चूज कर रहा हूँ आप, तो ये भोपाल चूज करते से इसका एक होम पेज खुलेगा जिसमें अच्छी तरह आप इसके नियमों को देख पढ़ लें अच्छी तरह, इस तरह से कुछ हो। तो आप जिस योग्यता के अनुसार आपको सिलेक्ट करना उस योग्यता के आप अनुसार इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जिस योग्यता के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट का इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें 10th+12th और ग्रेजुएट लेवल के लिए दिया हुआ है। तो आप जैसे 10th+12th पे कर दिया है आपने, और जिसके बाद फिर सेकंड में आपको समुदाय पूछा जाएगा जिस जो आप कैटेगरी में आते हो, OBC जनरल अदर या फिर इस तरह से। तो आप OBC पे करते हैं, और एक फिर उसके बाद विकलांग के पूछा गया है इसमें, तो वहाँ पर हम नो करते हैं। तो इस तरह फील करके आप उपलब्ध जांच के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। तो एक इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आप जो आपने सिलेक्ट करा था बाहर उसी तरह का पेज ओपन होगा। तो ये भोपाल सिलेक्ट करा था, इसमें अलग अलग जो पोस्ट मैंने आपको बाहर बताई थी दोस्तों, जैसे कि जूनियर क्लर्क, जूनियर ट्रेनिंग क्लर्क, तो इस तरह से ये पद दिए हुए हैं। तो अप्लाई क्लिक पर करते ही दोस्तों इस तरह से पेज ओपन होगा। तो ये अच्छी तरह पढ़ लें आवेदन करने से पहले, नीचे दी गई पूरी जानकारी को आप पढ़ लें। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया,
तो इसमें सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छी तरह से चेक करने के बाद इसमें फिल करें, क्योंकि इसमें कि ओटीपी आना बहुत ज़रूरी है, कि इसमें ओटीपी आने के बाद पंजीयन वेरीफाई होता है। तो इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दोनों पे ओटीपी जाता है। तो आप अपनी ईमेल आईडी इसमें पहले बना लें जिसके पास नहीं हो। और सेकंड स्टेप में देख लेते, इसमें वेरीफिकेशन के लिए ओटीपी जाता है एक मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ईमेल आईडी पे भी जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी जाता है दोस्तों। तो सेकंड स्टेप पे देख लेते हैं, आपका रजिस्टर होने के बाद एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, जैसे कि उसके बाद आप अगली स्टेज के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें 400 रुपये रिफंडेबल होंगे आपको, जिसमें 100 रुपये आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस रिफंडेड कर देगी रेलवे भी। तो आप इस पेमेंट को नेट बैंकिंग या SBI चालान या पोस्ट ऑफिस द्वारा चालान से पेमेंट को कर सकते हैं। और मैं नीचे आपको और जानकारी देता जाता हूँ दोस्तों, जैसे कि इसमें आपका फ़ोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। जैसे कि फ़ोटो का इसमें साइज 20 KB से लेस, 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, बाकी वो 50 KB से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए फ़ोटो का जो साइज मंगा हुआ मिनिमम। और सिग्नेचर की बात करें तो 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और नहीं 40 KB से ज़्यादा होना चाहिए। और सर्टिफिकेट इमेज की बात करें तो 50 KB लेस 100 KB दिया हुआ है, तो 100 KB से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। और आपको और नीचे में जानकारी, तो ये सब चीज़ आपको अपलोड करनी होती है इसमें। तो इसे अच्छी तरह से इसके निर्देश आप पढ़ने के बाद ही इसे फिल करें अच्छे दोस्तों, इसके निर्देश वगैरह। ये इस तरह का पेज होगा, तो आप इस तरह से क्लिक करके इसे सबमिट कर दें घोषणा पत्र। जैसे ही सबमिट करते हैं तो इस तरह से एक पेज ओपन होता है, जैसे कि हमने भोपाल चूज़ करा था RRB के लिए, तो इसी तरह ये ऊपर भोपाल क्षेत्र लिखा हुआ है। तो ये आपका पूरा फॉर्म खुल चुका है। जैसे ही आप अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद रिटेन आपको दोबारा आपका नाम लिखना होगा ना पर, और डेट ऑफ बर्थ, और ना पर जो आधार की स्थिति है, आधार है तो आप आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और सेकंड में दिया है फिर इसका फादर से नेम, मदर से नेम, और यहाँ पर 10वीं के आपको रोल नंबर लिखने होंगे कि आपने 10th+12th चूज़ करा था, यहाँ पर 10वीं के रोल नंबर लिखाएंगे दोस्तों। 21 वर्ष में आपने उत्तीर्ण करी थी उस वर्ष को दे। और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर की पुष्टि की जाएगी, मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है यहाँ पर। मोबाइल नंबर वही देना जो आपके पास उपलब्ध हो, चालू हो आप, क्योंकि इसमें क्या वेरिफिकेशन के लिए OTP जाता है। ईमेल आईडी भी वही लिखवाएं जो आप वर्तमान में करंट में चला रहे हो। तो इस तरह से ये पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। फिर तो उस पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया, फिर फॉर्म खुलता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो वगैरह अपलोड होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी है। दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन और सूचना आपको जल्दी ही मिलती रहे हमारे द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।